सच साहस सरोकार। लखनऊ के दिलकुशा गार्डन इलाके में बाउंड्री वॉल गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में भारी बारिश का कहर, बाउंड्री वॉल गिरने से 9 लोगों की मौत। दिलकुशा गार्डन इलाके की है ये घटना। सोते समय दीवार गिरने से हुआ हादसा। झांसी के रहने वाले हैं सभी मजदूर। सीएम योगी व डिप्टी सीएम ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिवारीजन को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता। यूपी में भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी लखनऊ में भी बारिश ने कहर बरपाया है। जलजमाव की वजह से हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कई घरों में भी पानी घुस गया है। ऐसे में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी में तेज बारिश के कहर के चलते एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। हजरतगंज के दिलकुशा गार्डन इलाके बाउंड्री वॉल गिरने से लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिलकुशा कॉलोनी में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण दीवार गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मजदूर दीवार के पास में ही टेंट लगाकर रह रहे थे। सभी मजदूर झांसी के रहने वाले हैं। तो वही घायल मजदूर ने बताया कि ये रात 12 बजे की घटना है। हादसे के समय वहां पर 15 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से घायल 6 मजदूरों का हजरतगंज के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर आर्मी के जवान और एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। तो वही दुर्घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है और साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख का आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दरअसल मरने वाले सभी लोग मजदूर हैं, वो दीवार के निर्माण का कार्य कर रहे थे। काफी समय से यहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था। मजदूर यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। मौके पर मजदूरों के बैग, बर्तन, सामान बिखरे हुए थे। कुछ दिन पहले ही मजदूर ने अपने परिवार वालों को भी बुलाया था। यहाँ पर मजदूरों की पूरी फैमिली रह रही थी। रात खाना खाने के बाद दीवार के पास में ही टेंट बनाकर आराम कर रहे थे। तो वही दुर्घटना पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने दुख जताया है और कहा कि ये काफी दुखद घटना है। इस घटना में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और 3 पुरुष की मौत हो चुकी है। इस घटना का उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इस हादसे में 3 लोग घायल हैं। मजदूर कहां के रहने वाले हैं इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सीएम योगी ने तेज बारिश के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। उन्होंने आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को अनुमान्य राहत राशि अविलंब प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं।